इस वक्त की बड़ी खबर, स्वीडन से इस वक्त की बड़ी खबर, स्पेशल ओलंपिक में भारत को स्वर्ण पदक मिला है। फुटबॉल में भारतीय टीम ने गोल्ड जिताया है। डेनमार्क की टीम को 4-3 से हराया गया। जबलपुर के तरुण ने दम दिखाया है। बड़ी खबर से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि स्वीडन से ये बड़ी खबर सामने आई है। स्पेशल ओलंपिक का खेल चल रहा है, जिसमें भारत को स्वर्ण पदक मिला। फुटबॉल में भारतीय टीम ने गोल्ड मेडल जिताया है। आपको बता दें कि डेनमार्क की टीम को 4-3 से हराया है। तो वहीं इस टीम में जबलपुर के तरुण ने दम दिखाया है। फुटबॉल की टीम ने जबलपुर के तरुण ने दम दिखाया। स्वीडन से ये बड़ी खबर सामने आई है। स्पेशल ओलंपिक में भारत को स्वर्ण पदक मिला। फुटबॉल में भारतीय टीम ने गोल्ड जिताया है। डेनमार्क की टीम को 4-3 से हराया और शानदार जीत दर्ज की। जबलपुर के तरुण ने इस पूरे खेल के दौरान दम दिखाया। प्रदेश का नाम स्वीडन तक पहुंचा जबलपुर के तरुण के जरिए। ज्यादा जानकारी के साथ फोनलाइन पर सहयोगी संजीव चौधरी जुड़ चुके हैं। संजीव, कहीं ना कहीं स्वीडन तक जबलपुर का नाम रोशन हुआ है तरुण के जरिए। बिल्कुल, तरुण से जब हमने मुलाकात की थी, जब वो जा रहे थे तो पूरी तरह से विश्वास पे भरे हुए थे, क्योंकि तरुण बोल और सुन नहीं पाते हैं। तो उन्होंने इशारे से कहा था कि वो गोल्ड लेकर आएंगे, और उन्होंने जो कहा था वो आज कर दिखाया। बहुत खुशी की बात है, क्योंकि मध्य प्रदेश में पहली बार किसी खिलाड़ी का चयन इस फुटबॉल टीम में हुआ था, और उन पूरी टीम ने आज गोल्ड जीत लिया है। ये बहुत बहुत खुशी की बात है, और इंतजार किया जा रहा है जबलपुर में उसके स्कूल में, जो तनखा मेमोरियल स्पेशल चिल्ड्रंस की स्कूल है, उसमें कि जब तरुण आएंगे तो वहीं के छात्र हैं तो उनका स्वागत किया जाएगा। अभी राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने भी बात की, और उन्होंने भी कहा कि उन्हें बड़ी खुशी हो रही है कि वो आज तरुण जीते हैं। तरुण क्या पूरी टीम जीती है, और ये पहला मौका है जब भारत ने गोल्ड जीता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया संजीव तमाम जानकारी देने के लिए। एमपी में नर्सिंग